जाने माने डायरेक्टर महेश भट्ट ने वाइफ सोनी राजदान की फिल्म योर्स ट्रूली की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। इस दौरान फिल्म की कास्ट तो नजर आई ही, साथ ही आलिया भट्ट भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंची। चलिए जानते हैं इनसे कि फिल्म के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। आलिया जी ने काफी टाइम पहले देख चुकी हैं और उन्होंने इमीडिएटली मुझे फोन किया था। मैं मुक्तेश्वर में थी, मुक्तेश्वर पता है ना, पहाड़ों पे, तो मैं वहाँ थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोली कि बहुत ही प्यारी फिल्म है और एक ऐसी मतलब एक क्या बोलते हैं, स्टोरी बुक जैसा कुछ है, वो स्टोरी जैसा है जिसमें हम घुस जाते हैं। एंड शी इज़ कमिंग, वो आने वाली है, तो आप खुद आप उनसे पूछिए उन्होंने क्या महसूस किया ये फिल्म देख के। बट माई फैमिली हैज़ ऑलवेज ऑब्वियसली बीन वेरी सपोर्टिव। आई थिंक दे वर द वंस हु लाइक हैव प्रॉब्ली, यू नो, आई डोंट नो, दे बिकम मोर एक्साइटेड अबाउट द फिल्म देन इवन आई वाज। सो आई जस्ट हैव टू से दैट, यू नो, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल देयर सपोर्ट। लेकिन ट्रेलर देख रखा है सबने एंड आई थिंक मेरी मॉम ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया एंड शी सेड कि आई मीन फॉर यू ऑल्सो, शी वाज लाइक मैंने कभी सोनी राजदान को इस रूप में नहीं देखा है एंड शी रियली लुक्स लाइक, यू नो, लाइक अ टाइमलेस क्रीचर। Like she's just looking like a timeless person in the film, and I think everybody's looking forward to seeing, you know, how ma'am has taken the story entirely on her shoulders, because you know hum log characters hain jo hum log aate hain aur jaate hain is film mein, but she's the one from the beginning till the end, she's really carrying the film, and it's a character driven film, and character driven films kabhi aasan nahi hoti hain kisi ke liye bhi. There's a lot of thought process, there's a lot of you know, preparation that goes into it, and I think she's done a fabulous job. और इतनी प्यारी दिखी है फिल्म में, देखिए मेरे सबसे बड़ी ये कॉम्प्लीमेंट याद है, शी इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल इन द फिल्म दैट यू कांट टेक योर आईज ऑफ, यू रियली कांट। कोलकाता की एक हिंदुस्तानी महिला की कहानी है, मगर और इसकी अनोखी बात यह है कि ये तन्हाई को भी एक नए अंदाज से पेश करती है। वो छाती पीटने वाली और शराब पीने रोने धाने वाली तन्हाई नहीं है, क्योंकि तन्हाई से जूझने का तरीका भी बदल गया है। और ये जो डायरेक्टर हैं, ये कमाल के डायरेक्टर, मैंने कलकत्ता कभी शहर जो है कोलकाता कभी ऐसा देखा नहीं है। और मैं तो हैरान तब हुआ कि जब कोलकाता में जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि ये हमने इस नज़र से अपने शहर को कभी महसूस ही नहीं किया था। तो इसमें एक कहानी की गहराई है और अकेलेपन में जो एक प्यार की मिठास होती है, उसको जो किस अंदाज से फिल्म मेकर ने बुना है, ये काबिल-ए-दाद है। टाइम पहले ये फिल्म देखी थी और फिर मैं कोलकाता भी गई थी फेस्टिवल के लिए, जब वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी फिल्म। बहुत ही अनयूजुअल कहानी है, बहुत ही सिंपल स्वीट और इंटरेस्टिंग यूनिक कहानी है, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई एम सीइंग माय मदर लाइक दिस इन सच अ एक्सटेंसिव लॉन्ग पार्ट, आई थिंक आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। और मैंने इनको बोला भी, थैंक यू भी बोला था, क्योंकि मैंने बोला कि आप, यू नो, थैंक यू फॉर गिविंग माई मदर दिस फिल्म, बिकॉज मेरा मानना है शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव सीन लाइक इन द कंट्री, एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट, एंड टू सी हर लाइक दिस सो एक्सटेंसिवली मेक्स मी फील सो हैप्पी। और मैंने अपने पापा को भी बोला था कि आई फील लाइक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर विदाउट रियली नोइंग इट। वो अननेचुरली हो गया है, जो वो बहुत कुछ करती है स्क्रीन पे, मैं भी करती हूँ व्हेन शी इज लाइक सिटिंग, खास करके जब वो साइलेंट होती है।